Welcome back to Academy of Biology and it's me Sachin Antil. And today we are going to continue with the chapter Animal Kingdom. तो देखो अगर पिछली क्लासेस की बात करें तो अब तक हम तीन फाइलम्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट फाइलम था पोलिफेरा, जिसमें हमने साइकोन को अच्छे से स्टडी किया. देन सेकंड निडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा, उसमें हमने हाइड्रा को एज एग्जाम्पल मान के स्टडी किया था. एंड द थर्ड वॉज द सीलेंट्रेटा, जिसमें हमने प्लूरोब्रैकिया को स्टडी किया था. तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट फाइलम से शुरू करते हैं. तो आज के लिए हमारे लिए जो फाइलम्स है वो है हमारे हेलमिंथ्स. हेलमिंथ्स या फिर जिनको हम बोलते हैं वॉर्म्स. तो हेलमिंथ्स में भी हमारे पास दो फाइलम है आज, प्लेटी हेलमिंथ्स दैट इज अवर फोर्थ फाइलम. And the next is fifth one, जो कि अपना एस्केलेंट्स. तो शुरू करते हैं प्लेटी हेलमिंथ से. प्लेटी हेलमिंथ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लेटी प्लेटी हेयर फॉर फ्लैट एंड हेलमिंथ आपका वर्म्स है. तो इस फाइल में आपके जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आते हैं आपके फ्लैट वर्म्स. देखो इनको फ्लैट वर्म्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बॉडी की बात करें तो ये कैसे होते हैं, दीज आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स. डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, तो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फिर दूसरी बात, जो आपका प्लेटी हेलमिंथ्स वाला फाइलम है, इसमें जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे आपके कैसे होते हैं, पैरासिटिक नेचर. आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स, अब पैरासाइट्स में भी हमारे पास दो चीजें आती हैं. फर्स्ट इज एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स, देखो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंड पैरासाइट जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहकर अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है. तो एंडो यानी कि जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट. तो एंडोपैरासाइट में हमारे यहां पे एग्जांपल आता है फ्लैट वर्म का, जिसको हम बोलते हैं टीनिया सोलेनम. टीनिया सोलेनम, फिर इसी में ही आपका पैरासाइट्स में दूसरे किस तरह के पैरासाइट हो सकते हैं. The parasites could be free living. Free living बोले तो यानी कि जो आपके organisms हैं वो किसी दूसरे organism के अंदर नहीं रहते बल्कि वो बाहर रहते हैं. तो उसमें जो आपका example आता है वो आपका सबसे common example, highest power of regeneration, जिसको हम बोलते हैं that is planaria. और planaria का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं tugasia. या फिर इसको हम कॉमनली बोलते हैं डुगेशिया. तो यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी, जो भी आपके मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस फाइलम के वो आपके कैसे होते हैं एंडोपैरासाइट. यहां पे आपके एक एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्ट प्लेनेरिया. प्लेनेरिया इज योर फ्री लिविंग पैरासाइट, वी कैन से एक्सोपैरासाइट. तो यहां तक की बात आपको समझ आई होगी. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या है, देखो जो आपके फ्लैट वर्म्स हैं, यहां पे आपके एक और इंपॉर्टेंट फीचर आया था, वो था बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री, तो एक बार हम एक पैरासाइट का स्ट्रक्चर देख के उसको समझ लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है. तो उसके लिए हम समझेंगे फ्लैट वर्म को लेने वाले हैं. तो ये कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है. तो जो है आपका ऑर्गेनिज्म है इसमें इस तरह से सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है. तो जो ये आपका एक पैरासाइट हमने लिया है टीनिया सोलेनम या फिर जिसको हम बोलते हैं टेप वर्म, इसमें जो ये सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, इट इज फॉल्स सेगमेंटेशन.
दीज आर फोर सेगमेंट्स। फोर सेगमेंट्स हम इनको किस लिए बोलते हैं? फोर सेगमेंट्स का मतलब है कि जो ये आपकी सेगमेंट्स है वो सिर्फ आउटर प्रेजेंट होती, इनर इन सेगमेंट्स का कोई रोल नहीं होता, अंदर कोई डिवीजन नहीं होती इन सेगमेंट के बेसिस पे। तो जो आपकी सेगमेंट्स है इनको बोलते हैं हम फोल्स सेगमेंट्स। और जो ये इस तरह से आपकी एक सिंगल यूनिट है इस तरह से दिस, तो इसको हम बोलते हैं हम ग्लोटिस। दिस इज कॉल्ड एज योर ग्लोटिस। तो इतना आपको समझ में आएगा, ग्लोटिस एक सिंगल सेगमेंट को हम ग्लोटिस बोलते हैं, और जो आपका टेप वो है इसमें जो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है वो आपकी फॉल सेगमेंटेशन है। तो जो आपका आगे वाला एंटीरियर पार्ट है इसमें जो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं यंग प्रोग्लोटिस। देन दीज आर योर इमैच्योर प्रोग्लोटिस। और जो आपका लास्ट वाला पार्ट है इसमें जो आपकी सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है इनको हम बोलते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिस। सॉरी मैंने यहाँ पे आपको सेगमेंट्स को ग्लोटिस बता दिया, ये आपका प्रोग्लोटिस होता है। तो देखो जो आपका टेप वॉर्म है उसमें जो सेगमेंटेशन है वो आपकी अलग अलग टाइप की होती है। जो आपके एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं यंग प्रोग्लोटिस। देन जैसे जैसे वो यंग प्रोग्लोटिस पीछे जाती है उन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं इमैच्योर। और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो आपकी जो सेगमेंट्स होती है प्रोग्लोटिस होती है वो मैच्योर हो जाती है, उनको हम बोलते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिस। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। तो मान लीजिए ये आपका एक टेप वॉर्म है। अब इस टेप वॉर्म का कैसा नेचर है? इट इज एंडोपैरासाइटिक नेचर। ये मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे के अंदर ही रहेगा। तो उस चीज को सपोर्ट करने के लिए मान लीजिए ये हमारी इंटेस्टाइन है और ये आपका मान लीजिए ये आपका ये वॉर्म है। तो अब इस वॉर्म को हमारे बॉडी के अंदर रहना है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई चीज आएगी तो सिंपली हमारी बॉडी भी उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करेगी, कुछ इस तरह की चीज करेगी कि या तो इसको खत्म कर दिया जाए या फिर इसको रिमूव आउट कर दिया जाए। तो उसी चीज से बचने के लिए, उस डिफेंस से बचने के लिए जो आपका टेपवर्म होता है इट इज कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल। एक इसके चारों तरफ पूरी की पूरी बॉडी पे नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है। द लेयर इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। जिसको हम बोलते ये कैसी लेयर है? नॉन सेलुलर वी कैन से। ये आपकी नॉन सेलुलर लेयर है जो आपके वॉर्म को हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? जो क्यूटिकल है प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो यहां पे आपकी जो क्यूटिकल है प्रोटेक्टिव हो गई नेचर में। अच्छा दूसरी बात अगर यही पे करें, जो आपके वॉर्म्स होते हैं जो आपका टेप वॉर्म है इसमें किसी भी तरह का ना तो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ना एक्सोस्केलेटन मतलब प्रेजेंट होता है। बट कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कोई ऐसी चीज जो एंडोस्केलेटन की तरह बिहेव कर रही हो तो वो क्या है? तो इसमें जो आपकी क्यूटिकल होती है इट इज नॉट अ ट्रू एक्सोस्केलेटन, बट ये एक्सोस्केलेटन की तरह प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। तो ये एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव करती है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? एक्टिंग एज एक्सोस्केलेटन। ये एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव करती है। तो यहां तक की कहानी शायद आपको समझ में आई होगी। फिर मान लीजिए आपका जो वॉर्म है वो इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब इंटेस्टाइन के अंदर ही अगर सिंपली चला गया है तो उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। अब रहना पड़ेगा तो उसमें कई बार क्या चांसेस होते हैं कि जो आपका फीकल मैटर होता है उस फीकल मैटर के साथ आपके इस वॉर्म को किस क्या करने की कोशिश की जाती है? रिमूव आउट करने की कोशिश की जाती है, बाहर निकाला जा सकता है। तो खुद को बाहर निकलने से बचाने के लिए जो आपका वॉर्म का एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज कोलेक्स पार्ट, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये आपका स्कोलेक्स रीजन है, दिस इज स्कोलेक्स रीजन, ये आपका होगा स्कोलेक्स रीजन। ये कुछ इस तरह से होता है,
ये और कुछ नहीं है, ये आपके वॉर्म का टेप वॉर्म का एंटीरियर वाला इतना पार्ट है जिसको मैंने जूम करके दिखाया ताकि आप अच्छे से स्ट्रक्चर्स को समझ सको। तो जो आपका इसका ये माउथ वाला पार्ट होता है, यहाँ पे इस तरह से कुछ लिप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा आपकी आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। लिप्स भी कैसे है, शार्प है। तो ये जो शार्प लिप्स है वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइनल वॉल है, तो जो ये शार्प लिप्स हैं इस तरह से आपकी इंटेस्टाइनल वॉल के साथ खुद को अटैच कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं बाहर निकालने जाने से। तो जो आपके लिप्स है या फिर इनको हम बोलते हैं हुक्स, वी कैन से, जो आपके एंटीरियर रीजन है आपके टेपवर्म का, वो हुक्स की फॉर्म में मॉडिफाइड होता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ द होस्ट बॉडी, कि होस्ट बॉडी बॉडी से इसको निकाला ना जाए। उस चीज को कंफर्म करने के लिए इसके जो एंटीरियर रीजन को, लिप्स को, इसको मॉडिफाई कर दिया गया हुक्स में। ये किसकी नेचुरल अडाप्टेशन है, खुद को एक तरह से बचाए रखने के लिए। तो ये आपको इतना समझ में आएगा, हुक्स क्या काम करते हैं, इसको होस्ट बॉडी से बाहर निकलने से बचाते हैं, ये उनको इस तरह से पकड़ लेता है। मान लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइनल वॉल है, ये उसका इंटरनल सरफेस है, तो ये इस तरह से उसमें अटैच कर सकता है अपने हुक्स को। तो यहां तक की कहानी आपको समझ आएगी। फिर दूसरी बात आती है, जो आपका ऑर्गेनिज्म है, जो आपका टेप वॉर्म है, उसको अब उस बॉडी के अंदर इस तरह की कंडीशंस तो मिल गई कि वो अंदर रह सकता है। प्रोटेक्शन के लिए उसको क्यूटिकल मिल गई है, खुद को बचाए रखने के लिए उसके पास हुक्स है, बट फिर भी उसको क्या चाहिए होगा, उसको न्यूट्रिशन के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। तो न्यूट्रिशन के लिए इसके पास कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन होती हैं, ये इस तरह से, ये भी इस तरह से डेंटिकुलेट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं सकर्स। तो जो सकर्स है, उन सकर्स का क्या काम है, सकर्स हेल्प्स द वॉर्म टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी। तो सकर उसको इस चीज में हेल्प करते हैं कि होस्ट बॉडी से वो खुद का न्यूट्रिशन डिराइव आउट कर सके, हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में ये इसको हेल्प करते हैं। तो अगर बात की जाए जो आपका वॉर्म है उसके लिए न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, तो इसके लिए आपका न्यूट्रिशन हो सकता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड हो सकते हैं या फिर बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं। तो ये आपका कौन सा रीजन, दिस इज योर, ये इतना आपका है स्कोलेक्स रीजन, स्कोलेक्स रीजन के नीचे आता है ये वाला आपका नेक रीजन, ये आपका नेक आता है। तो गाइज आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आई होगी कि होस्ट बॉडी के अंदर टेपवर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके पास क्यूटिकल प्रेजेंट है। अच्छा, अंदर तो वो चला गया, उसको प्रोटेक्शन भी मिल गई, बट चांसेस यहाँ पे ये है कि होस्ट बॉडी में उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के साथ बाहर निकाला जा सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए उसके पास प्रेजेंट होते हैं हुक्स। हुक्स क्या करते हैं, उसको इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। फिर तीसरी कंडीशन क्या आती है, अब वो अंदर पहुंच गया, प्रोटेक्शन भी मिल गई, अंदर रह भी सकता है। अब चांसेस क्या, उसको क्या वहां पे अपने न्यूट्रिशन के लिए फूड चाहिए, तो फूड के लिए उसके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सकर्स बोलते हैं। द सकर्स हेल्प्स द वॉर्म इन गेटिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए सकर्स उस टेपवर्म को हेल्प करेंगे। तो होस्ट के लिए न्यूट्रिशन हो सकता है ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, क्यूटिकल तक की कहानी होगी ये होगी, इसके बाद हम देखते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मान लीजिए जो है आपकी एक सिंगल सेगमेंट है ये इस तरह से, ये एक सिंगल सेगमेंट, ये आपकी सिंगल सेगमेंट इस तरह से डिटैच आउट हो गई, ये क्या आपका सिंगल प्रोग्लोटिस है, प्रोग्लोटिस। अगर मैच्योर होने के बाद ये प्रोग्लोटिस अलग हो जाता है, देन दिस प्रोग्लोटिस कैन फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, तो ये प्रोग्लोटिस एक न्यू ऑर्गेनिज्म को भी फॉर्म कर सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इनके पास क्या है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कि एक सिंगल प्रोग्लोटिस से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो सकती है। तो
इनके पास हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है, जैसा कि प्लेनेरिया के लिए बोला भी जाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लेनेरिया। तो सेम ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है, इनके पास भी वो पावर है कि सिंगल प्रोबोलिटी से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। फिर अगर बात करी जाए इनकी ग्रोथ की, तो ये हमारी बॉडी के अंदर रहते रहते एक होस्ट के अंदर, दे कैन रीच अप टू द लेंथ ऑफ 6 मीटर लॉन्ग, ये 6 मीटर लॉन्ग तक की हाइट में खुद को इंक्रीज कर सकते हैं, खुद की ग्रोथ कर सकते हैं। फिर अब इसमें बात आती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्लोटिस इज कॉल्ड एज स्टोबिलिएशन। एक सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्लोटिस, प्रोग्लोटिस के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन, दैट इज स्ट्रोबिलेशन। फिर उसी के बाद रिमूवल ऑफ प्रोग्लोटिस या फिर शेडिंग ऑफ द प्रोग्लोटिस इज कॉल्ड एज एपोलिसिस। एक नए प्रोग्लोटिस के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन, और उसी प्रोग्लोटिस के रिमूवल या फिर शेडिंग ऑफ को बोल देते हैं एपोलिसिस। तो यहां तक की कहानी आपको पूरी समझ में आई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ। तो देखो यहां तक आते आते ही बाइलेटरल सिमेट्री आ चुकी है, तो उसी के साथ अगर बात करी जाए ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब उसमें अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, इनकी एपिडर्मिस कैसी होती है, एपिडर्मिस का स्पेसिफिक फीचर इनका एक स्पेशल, दैट इज सिंसाइटियल, सिंसाइटियल बोले तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर यही पे अगर हम बात करें मीजोडर्म की, जो मीजोडर्म होती है इट इज कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ पेरेन्काइमेटस सेल्स, इसमें भर भर के पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, अच्छे से वो प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्लोजली पैकिंग में, कॉम्पैक्ट पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट। और जो ये पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं मीजोडर्म में, इट एक्ट एज ए एंडोस्केलेटन, ये एंडोस्केलेटन की तरह बिहेव करता है, एंडोस्केलेटन। फिर दूसरी बात, इसके अलावा जो इनकी बॉडी होती है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ नॉन सेलुलर लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल, जो क्यूटिकल होती है वो इनके पूरे के पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल कैसी लेयर होती है, इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सरफेस एंड इट इज डिफेंस इमेजर, इसका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस इसका फंक्शन होता है। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स वगैरह के बारे में। फिर जो दूसरी चीज आती है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यार देखो अब तक क्या था कि ब्लाइंड सेक टाइप का हमें डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा था, तो अभी भी यहां तक आते आते भी कंडीशन वही है, थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो रही, चेंजेस आ रहे हैं, बट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरी तरह से नहीं बना। इसमें कंडीशन किस तरह की होती है, जो हम बोले एलिमेंट्री कैनाल इनमें एब्सेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट क्यों होती है, यानी कि उसमें माउथ तो आपका प्रेजेंट होगा
बट जो आपकी एनएस होगी वो एबसेंट है, एनएस प्रेजेंट नहीं है। कंडीशन कुछ इस तरह की, मान लीजिए आपकी एक पाइप है, जो ये पाइप है यहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है, ये एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, बट अगर इस पाइप के एंड पे जाए तो ये पाइप पीछे से क्लोज है। तो इस तरह की ब्लाइंड सेट टाइप की इसमें कंडीशन है, ब्लाइंड सेट टाइप यानी कि सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, और जो ये आपकी सिंगल ओपनिंग है इट इज बिहेविंग एज माउथ एज वेल एज एनस। ये माउथ और एनस दोनों का फंक्शन एक ही ओपनिंग करती है, तो ये आपकी कंडीशन है। अभी तक यहाँ पे आते आते जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके अच्छे से फॉर्मेशन हुई नहीं है, सिर्फ शुरुआत हुई है। फिर इसमें एक नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, कई जगहों पे आपको मिलेगा एक कैरेक्टर इसमें, सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन देखो, सेफलाइजेशन का क्या है, सेफलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड, फॉर्मेशन ऑफ हेड। अगर हम बात करें सेफलाइजेशन की, तो आपके जो प्लेटिहेलमिंथीज है उनमें हेड की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुई है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि प्लेटिहेलमिंथ्स तक आते आते भगवान ने इन्हीं से हेड की फॉर्मेशन को शुरुआत कर दिया है। तो अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेफलाइजेशन आपका शुरू कहाँ से हुआ, तो कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है कि सेफलाइजेशन आपका प्लेटिहेलमिंथ से शुरू हुआ, बट जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो सेफलाइजेशन की मतलब यहाँ पे शुरुआत हुई थी, बट अच्छे से डिफरेंशिएटेड हेड यहाँ पे भी नहीं आया था, वो आपका एनिलिडा के बाद में आया था। तो ये या आपको याद रखने की चीज है, अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप इस चीज को याद रख सकते हो कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, किस लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें क्या दिया गया है। तो सेफलाइजेशन कई बुक्स में मिल सकता है कि प्लेटिहेलमिंथ से शुरू हुआ था। तो अब तक हमारा हो गया लेयर्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, नेक्स्ट चीज आती है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन द फोर्थ इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर बात करी जाए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑर्गन्स ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। तो अब इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो प्रेजेंट नहीं थे, बट रेस्पिरेशन तो इनको भी करना था ना, और ये एंडोपैरासाइट है, तो कंडीशन क्या है कि इनको किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रह के अपनी रेस्पिरेशन को करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये शो करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। दूसरा, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो डन बाय जनरल बॉडी सर्फेस, बॉडी सर्फेस से भी रेस्पिरेशन करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें एबसेंट ही था। तो क्या क्या हो गया अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी। अब नेक्स्ट जो सिस्टम हुआ अपना एक्सक्रीशन, या फिर बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ रिलीज इन अमोनिया के फॉर्म में, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, अमोनोटेलिक, एंड द बिहेवियर दे शो इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। तो नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इसमें है आपका सेरेब्रल गैंग्लिया, इनमें जो आपके सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो गैंग्लिया समझते हैं सबसे पहले, देखो मान लीजिए ये आपका कोई ये आपका एक न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज साइटोन, या फिर जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। तो ये हो गया साइटोन, और जो ये फाइबर्स प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ये आपके हो गए डेंड्राइट्स, और ये आपका हो गया एक्सोन। अगर आपके बहुत सारे साइटोन एक साथ मिल जाए तो उसी कलेक्शन को हम बोलते हैं सेल गैंग्लिया, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं गैंग्लिया।
कलेक्शन ऑफ साइटोन इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। तो साइटोन के कलेक्शन को हम गैंग्लिया बोलते हैं। और जो ये गैंग्लिया होता है, ये इनका किस रीजन में प्रेजेंट होता है? हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए आपका सिंपल सा एक प्लेनेरिया, तो ये इसमें किस तरह से होगा? मान लीजिए ये आपका साइटोन हो गया, दिस इज योर साइटोन, ये नर्व कोर्ड्स हो गया, तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो देखो ये क्या आपका साइटोन, साइटोन सिंपली क्या होता है, जब बहुत सारे गैंग्लिया क्या होता है, जब बहुत सारे आपके साइटोन्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। तो दिस इज सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया। गैंग्लिया इज द कलेक्शन ऑफ साइटोन, सेरिब्रल इसलिए बोला क्योंकि ये आपके हेड के रीजन में प्रेजेंट है। फिर इसमें से जो प्रोट्रूड हो रही होती है वो होती है आपकी नर्व कोर्ड्स, जो है आपकी नर्व कोर्ड्स। नर्व कोर्ड्स में दो से तीन पेयर आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर जो आपकी नर्व कोर्ड्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है इस तरह से, दीज आर जॉइंड टू ईच अदर। तो जो इन नर्व कोर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कमीशर्स। कमीशर्स को सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, द ट्रांसवर्स फाइबर दैट एक्टिंग एज द कनेक्शन बिटवीन द नर्व कोर्ड्स इज कॉल्ड एज कमीशर्स, या फिर इनको हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स, ट्रांसवर्स फाइबर्स। देखो इसको देखने से आपको किस तरह की दिमाग में एक रफ साइड या कुछ स्केच आ रहा है, तो इसको देखने से हमें क्या लग रहा है, कुछ लेडर लाइक है, सीढ़ी नुमा है। तो इसी की वजह से इसको बोला जाता है, इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है, लेडर लाइक, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। और जो नर्वस सिस्टम था वो कैसा था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। पीछे की अगर बात करें, पीछे वाले फाइलम्स में क्या था, एपोलर टाइप के न्यूरॉन्स थे, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते आते मॉडिफिकेशन होनी शुरू हो गई है, नर्वस सिस्टम अच्छा होना हमारा शुरू हो, बट अभी भी यहाँ पे इतना अच्छा नहीं हुआ। तो नर्वस सिस्टम कैसा, प्रिमिटिव टाइप का, एंड दस अपीयरेंस इज लाइक अ लैडर एंड कॉल्ड एज सेरिब्रल गैंग्लिया। इतना आपको शायद समझ में आया होगा। देखो अगर नर्वस सिस्टम की बात हुई है तो यही पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की, वो है अपने सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें आपके दो सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो आपके होते हैं एम्फिड्स एंड फैलमिड्स, एम्फिड्स एंड फैलमिड्स। तो जो आपके एम्फिड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीरियर रीजन में, यानी कि माउथ के आसपास। जो आपके फेजमेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके पोस्टीरियर रीजन में या फिर कोडल रीजन में। तो बात करें फंक्शन की, जो आपके एम्फिड्स होते हैं दीज आर ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टोसेंसरी, वी कैन से ऑल्फैक्टोसेंसरी इन नेचर। और जो आपके फेजमेंट्स होते हैं दीज आर केमिकल सेंसरी, केमिकल सेंसरी। ओल्फैक्शन से समझ रहे होंगे आप, जहां पे ओल्फैक्शन आ जाए उसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल, द पावर ऑफ परसेप्शन ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एज ओल्फैक्शन। तो दो तरह के इनमें हमारे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एम्फिड्स एंड फैलमिड्स। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ब्रीफ कर देता हूं। एट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो अगर इस फाइलम की बात करी जाए तो आपके जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लेटीहेलमिंथ्स, प्लेटीहेलमिंथ्स के बारे में कर रहे हैं यार हम, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जो आपके प्लेटीहेलमिंथ्स होते हैं वो मोस्टली आपके कैसे होते हैं,
मोस्टली बाइसेक्सुअल, मोस्टली आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्सेप्ट एक सिंगल एक्सेप्शन इसमें यहां भी प्रेजेंट है, एक्सेप्ट स्किस्टोसोमा, स्किस्टोसोमा या फिर जिसको हम बोलते हैं ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक एक ऐसा एग्जांपल है जो इसमें यूनिसेक्सुअल है। इसके अलावा जितने भी इसके ऑर्गेनिज्म है मोस्टली आपके सारे के सारे बाइसेक्सुअल है। देखो स्किस्टोसोमा की क्या कंडीशन होती है, जो स्किस्टोसोमा होता है इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, और जो आपका फीमेल होता है वो आपके मेल के अंदर प्रेजेंट मिलता है, मेल के बॉडी के अंदर वो रहता है। तो ये आपके एक एक्सेप्शन है जो आपकी जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर इसमें दूसरी चीज आती है, तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे। दूसरी आती है इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आपको पता ही होगा इनमें अच्छी खासी रीजनरेशन पावर है, हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर। एक सिंगल प्रोक्रियोटिस से ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, मैंने दिखाया भी था आपको किस तरह से। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया, फिर इनके बारे में एक चीज और आती है, वो आती है जो आपका टेप वर्म होता है, टेप वर्म। ये आपका दो टाइप का होता है, एक तो होता है टीनिया, टीनिया सोलेनम को हम बोलते हैं, शायद इसको हम बोलते हैं पोर्क वर्म, पोर्क वर्म। फिर जो इसके बाद दूसरा होता है वो होता है आपका टीनिया सेजिनाटा, या फिर जिसको हम बोलते हैं बीफ वर्म। इसके अलावा एक चीज और, अब जो आपके ये फाइलम के ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर, पैरासिटिक तो होते ही हैं। तो पैरासिटिक होते हैं तो उसमें पैरासिटिक में भी दो कंडीशन आती है, जो आपके पैरासाइट होते हैं वो मोनोजेनेटिक भी हो सकते हैं, डाइजेनेटिक भी हो सकते हैं। मोनोजेनेटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं जिनको सिर्फ सिंगल होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। डाइजेनेटिक आपके वो पैरासाइट होते हैं जिनको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो जो आपके इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक पैरासाइट है वो आपके। तो डाइजेनेटिक पैरासाइट है तो इसमें क्या होगा, इसको दो होस्ट चाहिएंगे। तो इसमें जो आपका प्राइमरी होस्ट होगा वो तो आपका होगा ह्यूमन, और जो आपका सेकेंडरी होस्ट होगा वो आपका होगा एनिमल। तो एनिमल आपका कुछ भी हो सकता है, आपका पिग भी हो सकता है या फिर कोई और एनिमल भी हो सकता है। तो इस तरह से किस तरह के डाइजेनेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी आपका एनिमल है। तो आप देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका क्या मान लीजिए, जो आपका टेप वर्म है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे अंदर पहुंचेगा कैसे। कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि मान लीजिए किसी एनिमल में आपका टेप वर्म प्रेजेंट है, उनकी अंदर ही प्रेजेंट है, तो क्या होगा अगर हम उस एनिमल का रॉ मीट कंज्यूम कर लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी पहुंच सकता है। तो इस तरह से इनका ट्रांसमिशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट फाइलम प्लेटिहेलमिंथ्स वाला खत्म होता है। And I hope you have understood all these points. और अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका है एस्केलेंट्स, यानी कि राउंड वर्म्स। तो नेक्स्ट फाइलम देखते हैं जो कि अपना फिफ्थ फाइलम, दैट इज एस्केलेंट्स।
या फिर जिसको हम बोलते हैं निमेटोडा या फिर निमेथेमिन्स। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है एस्क यानी कि राउंड, हेलमिंस यानी कि वर्म। तो फाइलम में कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे? राउंड वर्म होंगे। तो अगर इनकी बॉडी की बात करी जाए तो बॉडी कैसी होगी? राउंड एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। अगर इनका एक हम ट्रांसवर्स से सेक्शन ले तो ट्रांसवर्स सेक्शन किस तरह का आएगा? वो आपका ट्रांसवर्स से सेक्शन राउंड आएगा। तो मान लीजिए एक हमने टीएस ले लिया है, टीएस यानी कि ट्रांसवर्स से सेक्शन। तो जो ये आपकी आउटर लेयर है ये क्या है? दिस इज योर क्यूटिकल। ये आपकी क्यूटिकल है, हार्ड लेयर है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दिस इज मेड अप ऑफ कोलेजन और ये काफी रिजिड लेयर होती है, रिजिड इन नेचर एंड इट इज बिहेविंग। ये कुछ हद तक आपके एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव करती है। तो ये आपकी क्यूटिकल होगी। फिर सेंटर में आपका प्रेजेंट होता है, यह है आपका गट, ये आपका गट हो गया। फिर क्यूटिकल के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी सिंसाइटियल एपिडर्मिस, सिंसाइटियल एपिडर्मिस। तो ये आपकी सिंसाइटियल एपिडर्मिस है। देखो अब तक के पीछे वाले जितने भी फाइलम देखे, जो आपका प्लेटेलमिंट्स था उसमें जो आपके वॉर्म्स थे डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड थे, बिल्कुल चपटे थे वो। बट अब एस हेलमिंथ्स में आते आते थोड़ी मॉडिफिकेशन होना शुरू हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जो नेचर है उसमें सबसे पहले मसल्स का इंसर्शन करना शुरू हुआ, मतलब कि मसल्स डालने शुरू किए ऑर्गेनिज्म ने। तो इनमें किस तरह की रेडियल मसल्स तो इनमें थी नहीं, बट इनमें इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट थी। देखो अगर मसल्स को रेड कलर से दिखाते हैं और ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, तो ये हमारी कौन सी मसल्स हैं? ये हमारी लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स इनमें प्रेजेंट होती थी, मतलब प्रेजेंट है। नेचर ने सबसे पहले मसल डालने की शुरुआत इन्हीं ऑर्गेनिज्म से करी है। तो इनमें लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट, और वो मसल्स भी कैसे मसल्स थी? स्मूथ मसल्स। फिर इसी के साथ इनमें कुछ और भी चीजें प्रेजेंट थी, वो थी आपकी इस तरह से कुछ कैविटीज। देखो कैविटीज से मेरे को याद आया, जो आपके ये ऑर्गेनिजम्स ये कैसे हैं? दीज आर सूडोसिलोमिक, सूडोसिलोमिक यानी कि इनमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है। तो ये आपकी जो कैविटीज है ये कुछ फ्लूड फिल्ड कैविटीज है, ये आपकी सूडोसिलोमिक इन नेचर है। तो एक इस तरह की कैविटीज है, दीज आर कैविटीज फिल्ड विद फ्लूइड। तो ये आपकी कैविटीज किससे? कैविटीज फिल्ड विद फ्लूइड, इन कैविटीज में फ्लूइड फिल्ड है। तो ये किस तरह से बिहेव करेंगी? दीज विल बिहेव एज हाइड्रोस्केलेटन, ये हाइड्रोस्केलेटन की तरह बिहेव करेंगे। तो इनके ट्रांसवर्स सेक्शन की कहानी यहां तक आपको समझ में आई होगी। एक नॉन सेलुलर आउटर लेयर प्रेजेंट होती थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ कोलेजन दैट इज रिजिड इन नेचर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म। फिर क्यूटिकल के नीचे आपको मिलेगी एक मल्टी सिंसाइटल एपिडर्मिस, मल्टी न्यूक्लियेट लेयर। फिर उसके बाद नेचर ने इनमें सबसे पहले किस चीज की शुरुआत की? मसल्स को डालने की। और मसल्स भी कौन सी मसल थी? स्मूथ मसल्स थी, और वो भी कौन सी? आपकी लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल्स इनमें प्रेजेंट होती थी। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं फर्स्ट वाले वीडियो में जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करे थे, एस हेलमिंथीज आपका सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिजम्स का आपका फाइलम है। तो सूडोसिलोमिक है तो इनमें फॉल्स कैविटीज प्रेजेंट होंगी। तो इनमें कुछ इस तरह से कैविटीज प्रेजेंट है, ये कैविटीज फ्लूइड से फिल्ड होती हैं। तो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज विल एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन, ये हाइड्रोस्केलेटन की तरह बिहेव करेंगी। तो हम इनके बाकी बॉडी सिस्टम्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम,
पिछले फाइलम तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था? इनकम्प्लीट था, एनस प्रेजेंट नहीं होती थी, बट इनमें जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट है, बोल सकते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि इनमें किस तरह की कंडीशन है। ये मान लीजिए एक ट्यूब है और ये उसके अंदर एक दूसरी ट्यूब है, तो इनमें बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है, यानी कि मान लीजिए ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये उसकी एंटीरियर ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं माउथ, और ये इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं एनस। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट फाइलम ऐसा जिसमें आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट है, वो आपका एस्केंटेरिक, माउथ भी प्रेजेंट एनस भी प्रेजेंट, तो एलिमेंट्री कैनाल हुआ कंप्लीट। तो उसी के साथ साथ आपके इसमें क्या होता है, फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स, और फिर आपकी जो क्या होती है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, फर्स्ट फाइलम ऐसा जिसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मिल गया हमको, वो है एस्केलेंथीज। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी वही हालात है, एबसेंट हम बोल सकते हैं, पर फिर भी कैसा, जनरल बॉडी सरफेस से हो सकता है, प्लेटेलेंट्स वाली कहानी है, और आपका एनएरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी। देखो अब तक जो पिछला फाइलम था उसमें क्या था, जो ऑर्गेनिज्म थे वो बाइसेक्सुअल थे, हर्मोफ्रोडाइट थे, बट इस कंडीशन में क्या है, जो आपके ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें वो किस तरह के हैं, उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल आपका अलग है और फीमेल आपका अलग है, इस तरह की आपकी कंडीशन। तो इसमें हम देखते हैं एस्केरीज को एग्जाम्पल के तौर पर, हम इसमें स्टडी करेंगे एस्केरीज, या फिर जिसको हम बोलते हैं राउंड वर्म। देखो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो आपका मेल और फीमेल है दोनों अलग अलग होते हैं, और उनको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो थोड़ा सा और इलोंगेट करते हैं इसको, ये मान लीजिए आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, दोनों के स्ट्रक्चर पे के बेसिस पे हम एक चीज तो बता सकते हैं, जो आपका मेल है, मेल कैसा है, शॉर्ट, मेल शॉर्ट इन लेंथ इन कंपैरिजन टू फीमेल, इन कंपैरिजन टू फीमेल, फीमेल के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो इसकी लेंथ क्या होती है, कम होती है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है तो दोनों में क्या प्रेजेंट होगा, माउथ दोनों में प्रेजेंट होगा, दोनों में माउथ प्रेजेंट है। फिर जो माउथ के अपोजिट में एंड होता है, फीमेल में अगर बात करें तो आपकी जो एनस है वो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट आपके मेल में भी होते हैं, बट मेल में कंडीशन क्या होती है, एनस की जगह पे इसमें प्रेजेंट होता है क्लोइकल अपर्चर, क्लोइकल अपर्चर इसमें होता है। देखो क्लोइकल अपर्चर को सिंपली मैं समझाता हूं, एक सिंगल ओपनिंग एक्टिंग एज बोथ रिप्रोडक्टिव एज वेल एज यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और
और जो इनके यूरिनरी ट्रैक्ट है वो एक कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं प्लोइकल अपर्चर। फीमेल के केस में क्या होता है, इनमें अलग से गोनोपोर प्रेजेंट होता है एनस के अलावा। फिर जो इनका ये लास्ट वाला एंड होता है यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है, इनको बोलते हैं पीनियल सीटे, पीनियल सीटे, या फिर मतलब इस तरह से कुछ इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं पतले पतले, जो हेल्प करते हैं इनको, पीनियल सीटे हेल्प्स इन कोपुलेशन, ये इनको मेल्स को कोपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये दो तीन से बेसिक इनके बीच में डिफरेंस थे मेल और फीमेल के बीच में जो हमने अब देखे। फर्स्ट तो लेंथ वाला, दूसरा क्लोइकल अपर्चर का, और एक तीसरी चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो है इनके माउथ के रीजन के पास में यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है, ये आपका दोनों में प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी पोर, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। फिर देखो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में हो गया, फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हम कह सकते हैं इसमें एब्सेंट था, यानी कि पूरा का पूरा डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं था, बट नेचर ने क्या किया एक्सक्रीटरी सिस्टम का इनमें इंट्रोडक्शन कर दिया, यानी कि कुछ एक्सक्रीटरी सेल्स इनके अंदर डाल दिए जो एक्सक्रीशन के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते थे, तो उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं रेनेट सेल्स, रेनेट सेल्स। स्पेल आप चेक कर सकते हो, रेनेट सेल्स गलत हो सकती है शायद, फॉर एक्सक्रीशन पर्पस, फॉर एक्सक्रीशन पर्पस। तो जो आपके रेनेट सेल्स थे उनका देखो क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको दिखाता हूं, जो कि आपका एच शेप का होता है। तो जो आपके रेनेट सेल्स होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, ये इस तरह से, ये आपका हो गया न्यूक्लियस एंड दिस इज योर एंटीरियर कैनाल, और ये है आपकी पोस्टीरियर कैनाल, और जो ये आपका एक्सक्रीशन का जो काम करता है वो ये वाला पार्ट करता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर। जो एक्सक्रीशन का काम होता है वो यही से एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है रेनेट सेल का, या फिर जिनको हम बोलते हैं एच सेल। एच जैसी शेप होने की वजह से इनको रेनेट सेल्स या फिर एच सेल भी बोला जाता है। तो अगर बात करें इनके मेथड की, तो जो इनका नाइट्रोजन वेस्ट होता है अमोनिया, इनको ये अमोनिया के फॉर्म में भी रिमूव कर सकते हैं, वो किस कंडीशन में, अगर ये एक्वेटिक है, ये अपने नाइट्रोजन वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं अगर ये एक्वेटिक कंडीशंस में है, इनको अच्छे खासे पानी के अमाउंट की मौजूदगी है, या फिर दूसरा ये एक्सक्रीट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया अगर ये कैसे पैरासाइट, पैरासाइट के फॉर्म में, पैरासिटिक नेचर में, यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी कम है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है इनका फिफ्थ, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं होता, पर कुछ हद तक ये अपना सर्कुलेशन का काम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सूडोसील, सूडोसील की हेल्प से कुछ हद तक अपना सर्कुलेशन का काम करते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपकी नर्वस सिस्टम। तो जो आपका प्लेटिहेलमिंथ्स वाला फाइलम था उसमें लैडर लाइक आपका जो नर्वस सिस्टम था, कंडीशन इनमें भी कुछ उसी तरह की है, इनमें भी नर्व रिंग प्लस नर्व कोर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व रिंग्स प्लस नर्व कोर्ड प्रेजेंट होती है, ज्यादा इनमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं आए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता होगा आपका सेंस ऑर्गन, जो कि मैं आपको बताना भूल गया, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स की बात करी जाए तो इनमें भी एम्फिड्स और फैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लेटिहेलमिंथ्स की तरह, एम्फिड्स एंड फैगमेंट्स, फेजमेंट्स नॉट फैगमेंट्स, फेजमेंट्स, जो कि आपके एम्फिड्स एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर ओल्फैक्टरी इन नेचर, फेजमेंट्स आर केमिकल सेंसरी इन नेचर। फिर लास्ट जो आपका फंक्शन, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक बचता है वो आपका रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन होती है इनमें इंटरनल, तो अलग अलग इनमें मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। तो इसी के साथ हमारा जो एस हेलमिंथीज वाला है नेमेटोडा वाला फाइलम ये भी कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स एंड द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइलम्स। इफ यू स्टिल हैव और फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन द टॉपिक्स डिस्कस्ड प्रीवियसली इन द पास्ट लेक्चर्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द माई साइड। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।